क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24 तक। 72 शिष्य सा आनंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब्दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब्दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़ कर यह कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता है कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे भाई और बहनों, पहली बार प्रभु ने अपने 72 शिष्यों को एक दायित्व दिया, एक मिशन दिया। जो कार्य प्भु कर रहे हैं वैसा ही कार्य करने की कृपा उन्हें दी। अध्याय 9 पद संख्या 1 से हम देख सकते हैं संत लूकास के सुसमाचार में ही कि प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं। वे सब वही कार्य करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, अब्दूतों को भगा देते हैं, चमत्कार के उप चमत्कार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड, एक मिशन फुलफिल होने की एक उत्सुकता से, उस खुशी से वे प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु आपके नाम के कारण अब्दूत भी भाग गए, हमने सब किया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि प्रभु ताली बजाएंगे, शाबाश की बोलेंगे, लेकिन प्रभु वह नहीं कहते। प्रभु ये कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए देखा, फिर कहा, देखो मैंने तुम्हें सब अधिकार दिया है। फिर कहा, आनंदित इसलिए मत हो जाओ कि अब्दूत ने तुम्हारी बात सुनी, आनंदित इसलिए हो जाओ कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार रखा है, तुम्हारा नाम वहां पर लिख कर रखा है। कई बार जब हम एक कार्य करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उसे अप्रिशिएट करें, कुछ कहे, कुछ अच्छा बोले, कुछ प्रोत्साहन दे, एंकरेजमेंट दे, ताकि हम और अच्छा कर सके। अगर परिवार में माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को एंकरेजमेंट दे, प्रोत्साहन दे, जब वे कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें शाबाशी दे, आगे और अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें नसीहत दे, तो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत होगा। प्रभु ने जब इनकी बातें सुनी तो उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उनको ये भी बता दिया कि देखो तुमने जो किया वो मैंने भी देखा, और कहा तुम्हें यही शक्ति नहीं और भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने दिया है। यह सब बोलने के बाद प्रभु धीरे से उन्हें प्यार से करेक्ट करते हैं और कहते हैं, इतना खुश इसलिए मत होना कि अब्दूत ने तुम्हारी बात सुनी। सच बात यह है, खुशी मनाओ कि पिता ने यह सब देखा है और पिता खुश हो चुका है और पिता ने तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। कभी कभी हम एक ही व्यक्ति को देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पापा या हमारे लाइफ पार्टनर एक बार मुस्कुरा भी दे कि तुमने अच्छा किया तो हमारा दिन बन जाता है। लेकिन हमें यह देखना है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे बारे में, हमारे कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं। अप्रिसिएशन विशेष रूप से हमारे बच्चों को जरूर देना, ताकि वे कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ सके, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन सके, उनके अंदर फिर डर नहीं रहेगा। जब हम निरंतर बच्चों को चिढ़ाते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे, बच्चों को कभी आगे आकर कुछ कार्य हिम्मत के साथ करने के लिए नहीं होगा।
विशेष रूप से जो माता पिता है अपने बच्चों को अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन दे तो आपके बच्चे बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर के बनेंगे। दूसरी बात यहाँ पर प्रभु कहते हैं भोलेपन की प्रशंसा। बहुत सारे लोग प्रभु को जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, प्रभु जो कार्य शिष्यों के सामने करते थे उसे देखना चाहते थे, जैसे कि मूसा देखना चाहते थे, दाऊद देखना चाहता था, राजाओं को देखने की इच्छा थी, नबियों को इच्छा थी, लेकिन ये साधारण से लोगों को प्रभु ने ये सारी चीज़ें प्रकट कर दी। प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, बहुत बड़े इंटेलिजेंट यह नहीं देखते प्रभु। प्रभु यह नहीं देखते कि हम कितने टैलेंटेड हैं, प्रभु यह देखते हैं कि हम कितने विनम्र हैं, प्रभु की इच्छा के लिए हम कितने तैयार हैं। आइए हमारी बुद्धि को, हमारी युक्ति को हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें हमें भी एक बच्चे के समान बनाइए, ताकि हमारे अंदर वो इनोसेंस रहे। अगर हम इनोसेंट हैं तो हम प्रभु की इच्छा को बहुत जल्दी स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन हम तर्क कर कर बैठेंगे तो हमें प्रभु की इच्छाएं या प्रभु की योजनाएं हमें समझ में नहीं आती है। और उसी प्रकार प्रभु से कहे प्रभु हमें यह आशीष दीजिए कि हम भी दूसरों को एंकरेज कर सके, अप्रिशिएट कर सके, दूसरों को भी आगे जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सके।